अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह बरकातहू। एक जो चार चार रकात सुन्नत जो होती है वो दो सलाम से पढ़ेंगे या एक सलाम से, अफजल कौन सा है? आप दो दो रकात करके सुन्नत जितनी भी नमाजें हैं आप जब भी पढ़ें, चाहे दिन में पढ़ें रात में पढ़ें, दो दो रकात करके पढ़ें। हालांकि इस बात की भी इजाजत है, गुंजाइश है कि आप चार रकात के साथ भी पढ़ सकते हैं, एक सलाम के साथ, यानी चार रकात कंटिन्यू। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशतर औकात जो चीज साबित है वो दो दो रकात के साथ साबित है, तो आप इसी पर अमल कीजिए। लेकिन अगर कभी कभार आपने चार रकात के साथ पढ़ा तो इसका सबूत भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अहादीस से, लेकिन बेशतर औकात आप दो दो रकात करके पढ़ते थे। जैसे एक हदीस है सलातुल्लैल मतना मतना, एक दूसरी रिवायत है सलातुल नहारे मतना मतना, इसको बहुत सारे उलमा ने इस रिवायत को भी सही और काबिले हुज्जत बताया है। तो बेहतर यह है कि नफली नमाजें दो दो करके पढ़ी जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसा कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में नमाज पढ़ते चार रकात आप पढ़ते, फला तसअल अंतुलहिन्ना व हुस्नहिन्ना, तो उस रिवायत से बहुत सारे उलमा ने इस्तदलाल किया है कि चार रकात करके भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। जी जी यासिन भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। और जो जोहर के बाद की जो फजीलत आई है हदीस के अंदर के, भाई जिसने जोहर की चार रकात पढ़ी उस पर जन्नत हराम हो जाती है, तो उसे वो भी दो रकात अलग अलग पढ़ेंगे या वो साथ में पढ़ेंगे? जी जी हाँ, जन्नत क्यों? आप दो दो रकात करके पढ़िए, अफजल ये है कि दो दो रकात करके पढ़िए। लेकिन अगर आप एक साथ पढ़ लें, देखिए जोहर के बाद जो दो रकात है ना, दो रकात सुन्नत मुअक्कदा है, यानी सुन्नत रातिबा जिसको कहते हैं, और जिस हदीस का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दो रकात का इजाफा है, गोया कि वो जो दो रकात और है वो सुन्नत रातिबा नहीं है। तो आप बेहतर यह है कि आप दो दो रकात करके पढ़िए, तो दो रकात आपकी वो सुन्नत रातिबा हो जाएगी, बाकी जो आपकी दो रकात है उस हदीस पर अमल हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने जो है जोहर से पहले चार, जोहर के बाद चार नफिल नमाजें पढ़ी तो उसके ऊपर जहन्नम हराम हो जाएगी।